यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायण स्वामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले है। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायण स्वामी जी को जरूर मिलना चाहिए। उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।